हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे पोस्टों में एक नया रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी कर दिया गया है, तो आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए बोलो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट इन फिजिक्स के लिए यहाँ पर जो है 37 वैकेंसी का एक नोटिस दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर जो है आप लोग का क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना होगा इन साइंस में विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसके लिए यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिस्ट्री के लिए आप लोग का जो 37 वैकेंसी रखा गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना होगा इन साइंस में विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसके लिए भी यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बोला गया कि आप लोग के पास पर 32 वैकेंसी रखा गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग का डिप्लोमा होना होगा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। इसके लिए भी एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बोला गया कि टोटल 35 वैकेंसी रखा है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना होगा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। इसके लिए पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर जो है 26 वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना होगा। इसके लिए यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इन मेट्रोलॉजी के लिए यहाँ पर जो है टोटल 7 वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना होगा इन मेट्रोलॉजी में। तो उसके बाद यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर जो है टोटल 9 वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना होगा इन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके लिए यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी रखे हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास डिप्लोमा होना होगा इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके लिए यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ऊपर जो है टोटल 8 वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास डिप्लोमा होना होगा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ऊपर। इसके लिए यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसके लिए पर जो है टोटल 2 वैकेंसी रखा गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास डिप्लोमा होना होगा इन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर। इसके लिए यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो है टोटल 1 वैकेंसी, यहाँ पर 2 वैकेंसी रखा गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास डिप्लोमा होना होगा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर। और अगर आप लोग के पास यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर जो है टोटल 2 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना होगा इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके लिए यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया और एक लेबोरेटरी असिस्टेंट इन 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स के लिए जो है टोटल 2 वैकेंसी, इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना होगा इन 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स के ऊपर। और अगर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है इन साइंस साइंस में, उसके साथ साथ आप लोग के पास सर्टिफिकेट है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के ऊपर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए बोला गया कि टोटल 2 वैकेंसी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना होगा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके लिए यहाँ पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है टोटल 1 वैकेंसी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना होगा केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। इसके लिए पर एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना होगा, जिसके लिए एक एप्लीकेशन फ़ीस भी देना होगा 160 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो जो कैंडिडेट SC ST और PWD है, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दिए गए हैं wbpsc.gov.in, तो यहाँ पर आके आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना होगा, जिसके यहाँ पर बोला गया कि आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट जो दिया गया है वो 30 जनवरी 2020 के अंदर। दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।